not present. Mani Sanjay ji, aur aap mein se ek vyakti ko bolna hai. Aap bolo. 3 minute Sanjay ji. सर एक मिनट में समय नहीं नहीं माननीय माननीय सदस्यगण देखिए मैं दिल्ली का सांसद हूं सर मैं समय तय नहीं इतना तो सबके लिए कंसीडर किया जाता है मैं समय तय नहीं करता बीएससी में समय जो तय होता है मैं उसका अनुपालन करता हूं सर इतना तो सबके लिए कंसीडर करते हैं आप जो यहां का सांसद है उसके वहां तो कम से कम प्लीज अपनी बात खत्म करें एक मिनट में कैसे अपनी बात कहेंगे आपको 3 मिनट कहा मैंने आप अपनी बात खत्म करें धन्यवाद 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 माननीय आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात रखने दी मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं माननीय लेकिन मेरा एक दर्द है एक तकलीफ है खास तौर से पूर्वांचल से नाता होने के नाते भी दिल्ली के अंदर सर 40 लाख लोग जैसा यहां पर बताया गया अवैध कॉलोनियों में स्लम एरिया में रहते हैं माननीय और उन 40 लाख लोगों को संख्या आप लगभग 1 करोड़ मान सकते हैं जो 1 करोड़ लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है मेरा मान्यवर बहुत विनम्रता पूर्वक इस सरकार से सवाल है यह बार बार एक्सटेंशन कब तक मिलता रहेगा 2008 में मिला 2011 में मिला 2014 में मिला कांग्रेस की सरकार थी 2017 में मिला 2020 में मिला आज मिल रहा है आपकी सरकार है और आपने पिछले साल ही मान्यवर वादा किया था कि हम इनको मालिकाना हक देंगे मालिकाना हक के बगैर वो बैंक से लोन नहीं ले सकते उनके नक्शे पास नहीं होते रोज वहां एमसीडी उनका घर तोड़ने के लिए आ जाती है मान्यवर कोई वो अपने मकान के नाम पर कोई एक पैसे का ना लोन ले सकते हैं ना उसको बेच सकते हैं जो स्कूल मंदिर अस्पताल उस इलाके में है उसको आपने 2002 में कहा कि इसका नक्शा पास किया जाएगा आज तक उसका नक्शा पास नहीं किया गया जहां झुग्गी वहां मकान की योजना अरविंद केजरीवाल जी लेके आए 50,000 फ्लैट हमने जहां झुग्गी वहां मकान के तहत तैयार किए हैं और इसमें लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने अब तक फ्लैट का उनको चाबी भी दे दी है उनको कागज भी दे दिया मान्यवर उन इलाकों में जहां पर इतनी भारी आबादी में लोग रहते हैं आपको जान के तकलीफ होगी उसको अवैध कॉलोनी आज तक कहा जाता है वो अपने घर का परिचय नहीं दे सकते कहां रहते हो अवैध कॉलोनी में आजादी के 73 साल के बाद देश की राजधानी में लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से आपके माध्यम से माननीय आपने वादा किया था दिल्ली की जनता से आपने कहा था चुनाव के पहले हम मालिकाना हक देंगे मालिकाना हक कृपा करके उनको दीजिए माननीय मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं अब बहुत तारीखें मिल चुकी सालों साल उन्होंने इंतजार कर लिया अब उनको मालिकाना हक दीजिए हमारी सरकार ने इन इलाकों में बस खत्म कर रहा हूं सर इन इलाकों में बिजली का सड़क का पानी का सीसीटीवी का वाईफाई का जितना हमसे हमारी सरकार से केजरीवाल सरकार से जितना बन सकता था हमने काम किया है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मालिकाना हक देने का वादा इसी सदन में प्रधानमंत्री जी से लेके आप सब ने एक स्वर में किया था उस वादे को पूरा कीजिए और दिल्ली के लोगों को मालिकाना हक दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संजय जी मान